देश के औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए सड़क परिवहन बहुत महत्वपूर्ण है। सड़कों के सुविकसित नेटवर्क के निर्माण के लिए सरकार समयबद्ध तरीके से मिशन की तरह काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के बुनियादी ढांचे को बहुत तेज गति से लाखों करोड़ों रुपए निवेश कर आधुनिक बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण 2014 के पहले की तुलना में लगभग दुगना हो गया है। बुनियादी संरचना के विकास को और तेजी देते हुए राजस्थान की प्रगति का आलेख उन्नत करने वाली कुल 3,775 करोड़ रुपए निवेश मूल्य की और 219 किलोमीटर लंबी चार परियोजनाओं का आज केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के शुभ कर कमलों द्वारा राष्ट्र के प्रति समर्पण हो रहा है। पहली परियोजना जो 90 किलोमीटर लंबी और 1,526 करोड़ रुपए निवेश मूल्य की है, जिसके अंतर्गत NH-48 पर किशनगढ़ से गुलाबपुरा सेक्शन का 6-लेनीकरण पूर्ण हो चुका है। इस परियोजना से अजमेर तथा भीलवाड़ा जिले के आर्थिक और सामाजिक विकास में गति मिलेगी। राष्ट्र के प्रति समर्पण होने वाली दूसरी 125 किलोमीटर लंबी तथा 2,090 करोड़ रुपए निवेश मूल्य की NH-48 पर गुलाबपुरा से चित्तौड़गढ़ सेक्शन के 6-लेनीकरण वाली परियोजना भी पूर्ण हो चुकी है, जिससे भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ इन दोनों जिलों की उदयपुर, जयपुर और कोटा क्षेत्रों की आपसी कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। राष्ट्र के प्रति समर्पण होने वाली तीसरी परियोजना फतेहनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 162A पर 4-लेन आरओबी का निर्माण कार्य है। इस आरओबी के निर्माण से रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा। चौथी परियोजना मंडरायल में चंबल नदी पर हाई लेवल ब्रिज मय अप्रोच का निर्माण CRIF के तहत करवाया गया है। इस पुल के बने जाने से राजस्थान में मंडरायल करौली तथा मध्य प्रदेश में सबलगढ़ के बीच सदाबहार कनेक्टिविटी बनी रहेगी। राजस्थान की प्रगति के लिए कुल 1,850 करोड़ रुपए निवेश मूल्य की और 221 किलोमीटर लंबी 7 परियोजनाओं का आज केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के शुभ कर कमलों द्वारा भूमि पूजन हो रहा है। इसमें निचली ओड़न से भटेवर तक 2-लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण शामिल है, जिससे दरीबा जिंक खदान को बेहतर कनेक्टिविटी एवं उदयपुर हवाई अड्डे से नाथद्वारा तक सीधी पहुंच हो पाएगी। इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग 927A पर 3 पैकेज में देवल, डूंगरपुर, सागवाड़ा, गढ़ी, बजवाना तक 2-लेन पेव्ड शोल्डर का निर्माण सागवाड़ा और गढ़ी बाईपास के साथ हो रहा है, जिससे डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिले के आदिवासी क्षेत्रों को विकास की नई संभावनाएं उपलब्ध होंगी तथा सागवाड़ा एवं गढ़ी शहरों में यातायात का दबाव कम होगा। रास से ब्यावर खंड का 4-लेन निर्माण की परियोजना भी शामिल है, जिससे ब्यावर के सीमेंट उद्योग को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। मंत्री महोदय द्वारा प्रतापगढ़ बाईपास का भी भूमि पूजन किया जा रहा है, जिससे प्रतापगढ़ शहर में कंजेशन कम होगा। सातवीं परियोजना ब्यावर गोमती से बाघाना से मादा की बस्ती खंड का 4-लेन निर्माण कार्य है, जिसमें टॉडगढ़ सैंक्चुरी के वन्य जीवों के विचरण की सुगमता को ध्यान में रखते हुए 13 एनिमल अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान के प्रगति के नए आयाम देती इन सभी परियोजनाओं से यात्रा के समय में कटौती होगी और ईंधन की बचत होगी। प्रदेश के बेहतर कनेक्टिविटी, सुविधा और आर्थिक विकास को बल मिलेगा। चित्तौड़गढ़ किला और अन्य आसपास के स्थलों के पर्यटन में वृद्धि आएगी तथा व्यापार और उद्यमी लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रीय गति शक्ति प्लान न केवल बुनियादी ढांचे की नींव रख रहा है, बल्कि देश की समग्र अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इसी का नतीजा है कि राजस्थान भी विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी द्वारा दी गई इन परियोजनाओं की सौगात खुशहाल राजस्थानी की परिकल्पना को साकार करेगी। The Shulini MBA is a two-year full-time residential experience where you learn from the top 1% business leaders in an immersive, challenging environment to be your best.
The Shulini MBA has a deep focus on real-world industry experience. So that we are ready to tackle complex business challenges. Think MBA, think Shulini. 100% MBA placements in India's top companies. MBA admissions deadline approaching fast. Apply now. Shulini University, ranked India's number one private university by Times Higher Education World University Rankings 2023. Shulini University is ranked India's number one university for citations per paper by QS World University Rankings 2023. Do your PhD at Shulini University, India's leading research university.